हाय गाइस एंड वेलकम बैक। अगर आप कनाडा में अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करना चाहते हो देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन तरीके शेयर करने वाला हूँ एक्सटेंशन के लिए। पहला तरीका, इस वीडियो को एंड तक देख लो, इसमें मैं अपना एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे मैंने अपना परमिट एक्सटेंड करवाया था। दूसरा, यू कैन कॉन्टैक्ट द इमिग्रेशन गुरुज। एप्लीकेशन फीस पे आप पूरे $50 सेव कर सकते हो इनके थ्रू अप्लाई करने पे, एंड जब भी आपको अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है दे विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूनिक लिंक है, आपने उसको ओपन करना है, अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद TIG की टीम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी। इनका मेन ऑफिस करनाल में है और तीन ब्रांचेज हैं, पानीपत, नवाशहर और कैथल में। पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, GC की आपको पहले ही मिल जाएगी एंड फीस वीज़ा लगने के बाद पे करनी है। एक्सपीरियंस्ड टीम है इनकी एंड कनाडा के अलावा भी ये बाकी सारी कंट्रीज में डील करते हैं। तीसरा, अगर आप कनाडा में किसी एजेंट से अपना परमिट एक्सटेंड करवाते हो तो उनकी अपनी फीस होती है मिनिमम $100 से $200। सो अगर आप चाहो तो इस सर्विस के लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल एड्रेस पे। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले आता है आपका इमिग्रेशन फॉर्म। अब इसको फिल कैसे करना है उसको मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। फिर आता है आपका पासपोर्ट। सो आपको फ्रंट एंड बैक कॉपीज चाहिए स्कैंड फॉर्म में इसकी। नेक्स्ट इज योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपका 1+1 प्रोग्राम है सो आपको सेकेंड प्रोग्राम का ऑफर लेटर प्लस ट्रांसक्रिप्ट एंड योर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ योर फर्स्ट प्रोग्राम, ये तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपका 2 साल का या उससे ज़्यादा का कोर्स है सो आपको लेटर ऑफ एनरोलमेंट प्लस योर ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर्स, ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर आता है प्रूफ ऑफ फंड्स, जिसके लिए आपको आपका बैंक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट चाहिए जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। नीचे इसके टोटल बैलेंस डिस्प्ले होता है आपके अकाउंट का। सो इस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आप अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हो, स्कोशिया या CIBC। वहाँ पे आपने पिछले 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट के लिए बोलना है। वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे एंड आपको आपका सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे देंगे। फिर आती है आपकी डिजिटल फोटोग्राफ। चार्जेस की बात करें सो इस पूरे प्रोसेस में आपके $150 लगते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो IRCC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 6 वीक्स का टाइम लगता है आपके परमिट को एक्सटेंड होने में, बट एक्चुअल में 3 से 4 हफ्ते में ही आपका परमिट एक्सटेंड हो जाता है। अगर मैं अपनी टाइमलाइन की बात करूं सो 15th of July को मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी एंड एग्जैक्टली 17 डेज के बाद 2nd of August को मेरा परमिट एक्सटेंड हो गया था। सो मुझे 3 हफ्ते से भी कम का टाइम लगा था मेरे स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवाने में। सो गाइज अब सारा प्रोसेस डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो सबसे पहले स्टेप में आपने अपने GC की अकाउंट में लॉगिन करना है। आप चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो या फिर एक सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हो। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा अप्लाई टू कम टू कैनेडा, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने विजिटर स्टडी एंड वर्क परमिट वाली ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी सो हम एक एक करके इसको फिल आउट कर देते हैं। आप कनाडा में क्या करने आए हो, स्टडी, कितने टाइम के लिए रुकना चाहते हो, मोर देन 6 मंथ्स। सो बेसिकली आपकी नेशनैलिटी पूछ रहा है इसमें। व्हाट इज योर करेंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कनाडा। डू यू हैव अ फैमिली मेंबर Who is a Canadian citizen or PR? मेरे केस में नो। What is your date of birth? इन सबको फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। Are you a lawful permanent resident of the United States? No. Next. What is your current immigration status in Canada? So right now I am a student. आपने भी यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करना है अगर आप स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा रहे हो। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, नेवर मैरिड, सिंगल। अब यह आपके केस पे डिपेंड कर सकता है अगर आप मैरिड हो तो। व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन,
तो राइट नाउ आई एम लिविंग इन ऑन्टारियो, तो मैं यहाँ पे ऑन्टारियो सिलेक्ट करूंगा। सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, स्टडी परमिट एंड टीआरवी। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टडी परमिट एक्सटेंशन पे है, टीआरवी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आर यू अ कंपनी का फैमिली मेंबर? नो। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट? सो इसमें बेसिकली आपके कोऑप के बारे में पूछ रहा है। अगर आपके कोर्स में कोऑप कंपलसरी है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे। उस केस में आपको इस टाइप से एक कोऑप लेटर चाहिए होगा अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। मेरे कोर्स में कोऑप ऑप्शनल है, सो मैं अभी के लिए यहाँ पे नो सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे बाद में कोऑप की ज़रूरत पड़ी तो मैं अलग से उसको अप्लाई कर लूँगा इन अ फ्यूचर डेट। व्हेन डज योर स्टेटस इन कैनेडा एक्सपायर? तो इसमें आपने एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है जो कि आपके पुराने स्टडी परमिट पे मेंशन होगी। ये डेट्स आपको बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगी। सो जैसा कि आप मेरे केस में देख सकते हो, एक्सपायरी डेट है मेरी 30th September 2023। तो इसको फिल कर लेते हैं एंड मूविंग ऑन। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम इन द लास्ट 12 months? नो। Do you fit into any of these categories? No. Do you want to submit an application for a family member? No. मेरे केस में no है। अगर आपके साथ आपका कोई family member है तो आप उसको yes में fill कर सकते हो। Are you giving someone access to your application? So अगर आप अपना extension खुद file कर रहे हो तो आपने यहाँ पे no select करना है। In the past 10 years, have you given your fingerprints? Yes. तो जो biometrics दिए थे वो 10 साल के लिए valid होते हैं। There is fees associated with application. Will you be paying your fees? Yes. उसके बाद, are you able to make a digital copy? Yes. तो इसके लिए आप पहले से ही Adobe Scan की application अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हो। Will you be paying your application fees online? Yes. तो एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए होगा इसके लिए आपको पेमेंट को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने के लिए। सो गाइस, यहां तक हमने सारी बेसिक डिटेल्स फिल आउट कर दी हैं। अब जल्दी से अपने अपने आंसर्स को एक बार रिव्यू कर लो एंड कोई अगर उसमें करेक्शन चाहिए तो आप उसको यहीं पे रेक्टिफाई कर लो। फिर हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेप्स दिए हैं और उसकी कुछ टिप्स बताई हैं कि किस फॉर्मेट में आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, फीस कैसे पे करनी है एक्सेट्रा। तो आप इनको रीड कर सकते हो। अब बारी आती है जी डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन अपलोड करने की। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि इस टाइप से पूछे जाएंगे। अब हमने एक एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना पासपोर्ट अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपको अपने पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी को पीडीएफ फॉर्मेट में मर्ज करके एक ही सिंगल फाइल में अपलोड करना है यहाँ पे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो आप क्वेश्चन मार्क पे या तो क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। फिर आता है हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसमें गाइज 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट इज कि अगर आपका 1+1 प्रोग्राम है तो इसके लिए आपको ऑफर लेटर चाहिए अपने सेकेंड प्रोग्राम का, प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री सर्टिफिकेट आपके फर्स्ट प्रोग्राम की। दूसरा सिनेरियो है कि अगर आपका 2 साल या उससे ज़्यादा का कोर्स है तो इस केस में आपको लेटर ऑफ एनरोलमेंट चाहिए अपडेटेड अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, प्लस ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर्स जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा 1+1 कोर्स है तो डॉक्यूमेंट्स भी उस हिसाब से मैं अपलोड करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल फाइल में मर्ज करना पड़ेगा। आप भी सेम वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो मर्जिंग के लिए। आप किसी भी ऑर्डर में इनको अटैच कर सकते हो, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर अपलोडिंग दीज फाइल्स।
तो एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही से प्रिंट हुआ है या नहीं। उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करो। सिलेक्ट योर फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की है एंड क्लिक ऑन अपलोड इट। सो अब हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉलम भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। फिर बारी आती है जी आपके डिजिटल फोटोग्राफ को अपलोड करने की। तो इसमें आप अपनी सेम फोटोग्राफ यूज कर सकते हो जो आपने इंडिया में वीजा फाइलिंग के टाइम खिंचवाई थी। योर फोटोग्राफ इज अपलोडेड। नेक्स्ट इज योर प्रूफ ऑफ फंड्स। तो इसके लिए आप इस लिस्ट में से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो। मैं अपनी पिछले 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक से बनाया हुआ स्टेटमेंट सर्टिफिकेट प्लस अपनी जो ट्यूशन फीस की पेमेंट है उसकी रिसीट इस कॉलम में अटैच करने वाला हूं। और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी हमने एक सिंगल फाइल में मर्ज करके अपलोड करना है। सो यहां तक फिल आउट करने के बाद अब बारी आती है हमारे इमिग्रेशन फॉर्म को फिल करने की। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। आप सेव कर सकते हो इसको डेस्कटॉप या डाउनलोड्स में, जहां आपको ठीक लगे। नाउ व्हेन यू ट्राई टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट आपको इस टाइप से एक एरर दिखेगा। सो फॉर्म को ओपन करने के लिए आपको एडोब एक्रोबैट की एप्लीकेशन चाहिए। आप इसको ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। नाउ वंस यू हैव डाउनलोडेड दिस एप्लीकेशन आपने अपने फॉर्म पे राइट क्लिक करना है ओपन विद एडोब एक्रोबैट और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस हियर कि इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल कैसे करना है हमने। तो सबसे पहले इन्होंने हमारा यूसीआई नंबर पूछा हुआ है यहाँ पे। आप अपने स्टडी परमिट को रेफर कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पे आपका यूसीआई नंबर मेंशन है। फिर आता है आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, आई एम अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट, आपका फुल नेम, पहले सरनेम आएगा और सेकंड कॉलम में आपका फर्स्ट एंड मिडिल नेम। हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम्स? नो। सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री इंडिया, कंट्री ऑफ टेरिटरी ये ऑलरेडी फेल्ड है कनाडा। स्टेटस, तो स्टेटस में आपने स्टूडेंट सिलेक्ट करना है यहां पे। फ्रॉम एंड टू, अब ये जो दो डेट्स हैं ये आपके स्टडी परमिट पे आपको मिल जाएंगी दोनों डेट्स। या तो आप इसको टाइप कर सकते हो या फिर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट भी कर सकते हो। योर करेंट मैरिटल स्टेटस, मेरे केस में सिंगल, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। चूज योर नेटिव लैंग्वेज, तो आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? यस। हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड? यस, हमने आइल्स का पेपर दिया था यहाँ आने से पहले। योर पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर फिल कर दो। कंट्री ऑब्वियसली इंडिया। इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट, ये आपके पासपोर्ट के बैक साइड पे मेंशन होती है। सो यूजुअली 10 साल के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होता है।
नेशनल डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हो। सो ये आपका 12 डिजिट का नंबर होता है, जस्ट फिल दिस आउट। एक्सपायरी डेट या इशू डेट कोई होती नहीं उसकी, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। USPR कार्ड, नो आई डोंट हैव एनी USPR। एड्रेस, तो यहाँ पे आपने अपना करेंट हाउस एड्रेस एंटर करना है, क्योंकि जो आपका स्टडी परमिट इशू होके आएगा वो इसी एग्जैक्ट एड्रेस पे आएगा। सो मेक श्योर यू एंटर द डिटेल्स करेक्टली, क्योंकि अगर आपका स्टडी परमिट आगे पीछे चला गया तो आपको ही चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उसके बाद एंटर योर टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। फिर पूछा है डेट एंड प्लेस ऑफ योर ओरिजिनल एंट्री टू कनाडा। सो मैं कनाडा में आया था 18 अगस्त 2022 को, 18 अगस्त, और प्लेस थी ऑब्वियसली टोरंटो आया था, तो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे लैंड किया था मैंने। अगर आपकी इमिग्रेशन किसी और एयरपोर्ट पे हुई थी तो आप उसका नाम यहाँ पे एंटर करोगे। ओरिजिनल पर्पस फॉर कमिंग टू कनाडा, स्टडी। डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट रीसेंट एंट्री टू कनाडा, सो गाइस मैं तो कनाडा में ही हूँ तब से, सो मेरे केस में तो एप्लीकेबल है ही नहीं है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ योर इंटेंडेड स्टडी इन कनाडा। तो ये वाला सेक्शन सारा आप अपने ऑफर लेटर से फिल आउट कर सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल सैनिका, लेवल ऑफ स्टडी कॉलेज, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, फील्ड ऑफ स्टडी। अब फील्ड ऑफ स्टडी में अगर आपकी फील्ड यहाँ पे विजिबल नहीं है तो अदर सिलेक्ट करो एंड मूव ऑन। कंप्लीट एड्रेस ऑफ स्कूल इन कनाडा, सो प्रोविंस ओंटारियो, सिटी है नॉर्थ यॉर्क। एड्रेस अपने ऑफर लेटर से कॉपी पेस्ट करो, DLI नंबर भी वहीं पे मेंशन है, एंड योर स्टूडेंट ID इज आल्सो मेंशन ऑन योर ऑफर लेटर। उसके बाद एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी, सो फ्रॉम एंड टू, मतलब किस डेट से लेके किस डेट तक आपका कोर्स चलेगा। कॉस्ट ऑफ स्टडीज विल बी ट्यूशन, सो ट्यूशन फीस आपके ऑफर लेटर पे मेंशन है, 16494 है मेरे केस में, तो राउंड ऑफ करके उसको 16495 लिख देते हैं। फिर आता है रूम एक्सपेंसेस। अब रूम एक्सपेंसेस के लिए आपका जो भी मंथली रेंट है, लेट्स से $500 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे एंटर कर दो। अदर में मिसलेनियस के लिए मैं $2000 लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद फंड्स अवेलेबल फॉर योर स्टे इन कनाडा, तो ये फिगर एग्जैक्टली सेम होगा जो आपने स्टेटमेंट सर्टिफिकेट बनवाया अपने बैंक से। सो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं $11,150। गाइस एक चीज़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आपके अवेलेबल फंड्स हैं, यानी कि $11,000 जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं, वो फिगर ज़्यादा होनी चाहिए आपके रूम एंड अदर एक्सपेंसेस के कम्बाइंड फिगर से। मतलब रूम एंड अदर एक्सपेंसेस का मेरा टोटल हो गया $8,000 एंड जो मेरे अवेलेबल फंड्स हैं वो है $11,000। आर यू अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट? अगर आप कोऑप के लिए अप्लाई कर रहे हो सिलेक्ट यस, अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिलेक्ट नो। एजुकेशन, अब इसमें आपने अपना प्रीवियस जो कोर्स है, जो आपने फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट किया है, उसकी डिटेल्स फिल करनी है कि कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। सो ये मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। फिर बारी आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की, तो इसमें आपने अपनी करंट और प्रीवियस जॉब्स जो भी किया कनाडा में उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करनी है। लेट्स से मैं सिक्योरिटी के जॉब का एग्जांपल ले लेता हूँ।
एक्टिविटी में आ गया सिक्योरिटी, कंपनी में कंपनी का नाम डाल दो। अब टू में अगर आप प्रेजेंटली इसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट डेट डालो जिस दिन आप ये फॉर्म फिल आउट कर रहे हो। वैसे तो गवर्नमेंट के पास आपकी पुरानी जॉब्स की सारी डिटेल्स प्रेजेंट हैं, सो अगर आप चाहो तो अपनी सिर्फ करंट जॉब को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, प्रीवियस जॉब्स को चाहे स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आती है, विद इन द पास्ट टू ईयर्स नो हैव यू रिमेंड बियॉन्ड वैलिडिटी, नो हैव योर वीजा एवर बीन रिफ्यूज्ड। सो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है किसी भी कंट्री का तो यस, अगर आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो भी यस। रिफ्यूज़ल के लिए यहाँ पे आप सेम रीज़न यूज़ कर सकते हो। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड, नो। डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री, नो। Family member associated with political party, no. Have you ever witnessed or treatment of, no. Do you consent to be contacted by CIC? तो इसमें हम करेंगे yes. उसके बाद आपने अपना full name यहाँ पे enter कर देना है और जो भी date है आज की वो हम enter कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करो एंड आपका फॉर्म बैकएंड पे प्रोसेस होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई एरर आता है उसमें तो वो आपको उसी टाइम बता देगा। उसके बाद आप फॉर्म को रीनेम करके अपने पास सेव कर सकते हो। सो लेट्स लॉग इन बैक टू GCG अकाउंट। अब हमने इस फॉर्म को अपलोड करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो लॉग इन कर लेते हैं GCG अकाउंट में। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो, क्लिक ऑन अपलोड फाइल, चूज करो जो हमने फॉर्म अभी फिल आउट किया। एंड आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। सो गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। TRV को मैं अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा अपने स्टडी परमिट के साथ। एंड क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक SOP जैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने रीजन बताना है अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड कराने का। अब इतना करने के बाद आपने अपनी फीस पे करनी है जिसके चार्जेस हैं $150। तो इसमें आपने आई एग्री सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, फिर अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। नेम ऑफ द सिटी, अब ये आपका GCG वाला सेम आंसर आएगा जो आपने GCG अकाउंट के सिक्योरिटी क्वेश्चंस में एंटर किया हुआ है, ये चेक होगा। उसके बाद ट्रांसमिट एंड पे, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी डिटेल्स फिल आउट कर लेता हूं यहां पे। सो पेमेंट कंप्लीट होते ही आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी।
आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस अपने जीसी के अकाउंट में कभी भी चेक कर सकते हो। सो गाइस, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।